शालोम अलैकुम। प्रभु यीशु में भाइयों बहनों को शांति हो। आज का जो हमारा वचन है वो है यशाया की पुस्तक, उसका 55वां भाग और 8वीं आयत। यहोवा कहता है, मेरे विचार वैसे नहीं जैसे तुम्हारे हैं, मेरी राह वैसे नहीं जैसी तुम्हारी है। परमेश्वर हमसे अलग सोचता है, परमेश्वर का काम करने का तरीका हमसे अलग है। परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता। हम बहुत थोड़ा सोचते हैं पर परमेश्वर के विचार हमारे लिए असीम होते हैं। वो हमेशा हमारे लिए बड़ा सोचते हैं और कई गुना वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा सोचते हैं। हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए सारी चीज़ें करके रखी होती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें आगे क्या करना है, पर परमेश्वर जानता है कि आगे हमारे लिए क्या रखा हुआ है। जिस बातों को हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई होती है। अगर हम यूसुफ़ का उदाहरण ले तो वो तो एक बच्चा था और उसको तो उसके भाइयों ने बेच दिया था, और जिनको बेचा उन्होंने उसकी पूरी कीमत भी नहीं दी, ये सोच के कि ये तो बच्चा है और कुछ काम नहीं आता होगा। वो मिस्र में गया और मिस्र में जाके कारभारी बन गया। वैसे ही हम अगर दाऊद का उदाहरण देखते हैं तो दाऊद भी एक चरवाहा था, पर एक दिन वो राजा बन गया। आज हम भी किसी कमज़ोर स्थिति में हो सकते हैं, पर हमारे लिए परमेश्वर ने आगे बहुत बड़ा सोचा होता है। हम सोचते हैं कि हम इतनी परेशानियों से कैसे निकलेंगे, हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, पर परमेश्वर ने हमारे लिए, हमने सोचा हो उससे बहुत गुना बेहतर हमारे लिए रखा हुआ होता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों का उपयोग करता है जिन लोगों को हम पसंद नहीं होते हैं। जैसे यूसुफ के भाई उनसे बड़ी नफरत करते थे और उनको मार डालना चाहते थे, पर परमेश्वर ने उसको बचा लिया। जैसे शाऊल था, वो दाऊद को मार डालना चाहता था, पर एक दिन उसी की जगह पे दाऊद को रखा गया। परेशानियाँ आती है उसके द्वारा। परमेश्वर हमें जिस मुकाम पे ले के जाना चाहते हैं उस मुकाम के लिए वो हमें तैयार करता है। अगर यूसुफ अपने गांव में ही पड़ा रहता तो वो कभी अपने घराने को बचा नहीं पाता, ना वो कभी मिस्र जा पाता और ना ही कभी उसका वंश बाकी रहता, क्योंकि उस टाइम तो बड़ा अकाल चल रहा था और कहीं कुछ खाने के लिए नहीं था। पर यूसुफ की सोच से और परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया उसकी वजह से पूरा घराना बच गया। वैसे ही दाऊद के बारे में हम कभी नहीं सोच सकते कि एक चरवाहा राजा बन सकता है, पर परमेश्वर का काम करने का तरीका यही है, छोटे लोगों को पसंद करके बहुत ऊपर तक लेके जाता है। हमारी हर तकलीफों के द्वारा प्रभु हमें और बेहतर बनाता है और हमें मजबूती लाता है और हमें स्ट्रांग बनाता है और हमें ज्ञान बढ़ता है और हम आगे आने वाली हर पोजीशन के लिए तैयार हो सकते हैं। जब भी हमारे परेशानी आती है तब हम प्रभु को सौंप जाते हैं और प्रभु हमें और कुछ नया हमें ऐड करता है, हमें नई बातें लाता है, हमें नया दर्शन देता है, वचनों की नई समझ देता है, और उसी के द्वारा प्रभु हमें तैयार करता है। प्रभु का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम अगर सोचें कि हम इस परिस्थिति से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, पर प्रभु हमें निकालता है और आगे जाके जब हम बड़े सुखी होते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ, उस परेशानियों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, या उस परेशानियों की वजह से मेरी जॉब निकल गई, या उस परेशानी की वजह से मैं कुछ सीख नहीं पाया था, या तब मुझे बड़ी तकलीफ थी, पर आज परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी होती है कि वो परेशानी हमें कुछ नहीं लगती, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीषों का देने वाला है। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमेशा अच्छा करता है। उसने कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचा, जो भी सोचा है हमारी सोच से बेहतर सोचा है। आज हम सेवकाई में भी यही सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा नया काम क्या होगा, हम कहाँ जाए। आज हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। कई सेवक अपने हुनर पे, अपने ज्ञान पे भरोसा करते हैं, कई लोग आने वाले दानों से और लोगों के साथ उसकी पहचान होती है, या अपनी बड़ी लंबी सी योजना बना के रखते हैं, पर परमेश्वर हमेशा अलग तरीके से काम करता है। हमारी सोच से उसकी सोच परे है, हमारे काम करने के तरीके से उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर प्रभु की सेवा हम करते हैं तो खुद को समर्पित करते हैं, प्रभु रास्ता दिखाएगा और हमें बढ़ाएगा, किसी भी बात की हमें घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 में परमेश्वर हमें क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है। हरी चराइयाँ क्या होती है? एक मेमने को हरी चराइयों से बेहतर और कुछ नहीं होता। वैसे ही हमारे लिए जो सबसे बेहतर है वही प्रभु हमें देना चाहता है। हम कम सोचते हैं, प्रभु हमसे बहुत बड़ा सोचते हैं। जिस परिस्थिति में हम हैं, शायद कोई कसौटी होगी, कोई परेशानी होगी, या फिर किसी तकलीफ में हम आज पड़े हुए हैं,
पर खुद को प्रभु को सौंप दे और वो हमें ऊपर ले जाएगा। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर हमारे खुदा, हम आपके हाथों में समर्पित हो जाते हैं। आपकी सोच हमसे बहुत ऊपर है। आपकी सोच को हम समर्पित हो पाए इसके लिए हमें और नम्र करें प्रभु, जिससे कि आप हमें ऊपर उठा पाए। आपके इरादे हमारे इरादों से बेहतर है। हम आपका इसी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी विनती प्रभु यीशु के नाम से सुनिए और उसे ग्रहण करें प्रभु। आमीन।